नमस्कार दोस्तों, मैं निम्बा पटेल आपके लिए लेके आया हूँ YouTube पे हेल्प सेंटर करके एक चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को दबा के और ऊपर दिए गए इस बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। इससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती है। आज के वीडियो में क्या है खास, चलो देखते हैं। चलो आज हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट के जरिए कैसे पैसे अर्न कर सकते हो। आप देखो कि एफिलिएट लॉगिन पे जाने के बाद सर्च करने के बाद आप मेक मनी और ज्वाइन नाउ फ्री रजिस्ट्रेशन एंड टर्म एंड कंडीशन ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। आप टर्म एंड कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसमें आपको सब जानकारी दी गई है कि आप उस प्रोडक्ट की लिंक को कैसे शेयर कर सकते हो, उसे आप कितने पैसे अर्न कर सकते हो, आपको कब आपका कौन सी तारीख को आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। चलो चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। ईमेल में आपको OTP आएगा, मोबाइल आप नंबर डाल दिए उसमें भी OTP आपको आएगा, कंट्री कोड है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, एग्री टर्म एंड कंडीशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, आपको एक मेल आएगा उनका, उसके लिंक पे रजिस्ट्रेशन के मेल के लिंक पे क्लिक करने के बाद आप फिर से लॉग इन पेज ले गई है। लॉगिन पे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल दीजिए और जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। मैंने अभी ओपन किया अकाउंट है तो वहाँ पर 0-0 आपको दिखाएगा सब कुछ। जो भी देखते कि प्रोडक्ट की लिंक को कैसे शेयर करते हैं, प्लीज सर्च करो कोई भी प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट की लिंक या बैनर को आप सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी पेन ड्राइव की लिंक को शेयर करता हूँ, जैसे ही वहाँ पर सर्च में ऑप्शन बटन 1, 2, 3 आएंगे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए तो एक एक्सटर्नल कोड जनरेट होगा, उसको सेलेक्ट कीजिए। आप कोई भी ब्लॉग वेबसाइट हो उस पर आप उसको डाल सकते हैं सोशल मीडिया से। मैंने अभी एक्सटर्नल कोड कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद पब्लिश किया। इसका व्यू कैसे आता है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट कैसे दिखता है मेरे ब्लॉग पे तो देख लेते हैं। तो ये है एक्चुअली, उस पर कोई भी क्लिक करेगा तो सिंपली ऐसे ऊपर हो जाएगा। कोई बाय करता है तो उसके परसेंटेज के हिसाब से मुझे अर्न होंगे, तो देखता है उसके हिसाब से भी क्लिक्स पे भी आपको पैसे मिलते रहते। तो उसके बाद हम चलते हैं मेरे अकाउंट की तरफ, फ्लिपकार्ट का जो अकाउंट है एफिलिएट का, उसके आप देख सकते हो कितने कमीशन के परसेंटेज के हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से परसेंटेज दिए गए हुए। उसके बाद में अकाउंट नेम, एड्रेस, पिन कोड, सिटी यहाँ पे दिया गया हुआ है। उसके बाद आता है कि आप अपने कोई भी वेबसाइट ब्लॉग को यहाँ पे लिंक करवा सकते हो, उनको आप ये वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। ये है माय अकाउंट, इसमें आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको बैंक के सब डिटेल्स, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर से यहाँ पे फिलअप करना होगा। लास्ट में है अकाउंट, उसमें है आपका पासवर्ड, आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारे थिंग आप कर सकते हो। इस तरह से आप फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनेगी और पैसे। ओके।